मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी सिंगाठिया और वेलकम आप सभी का एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोवेव डिवाइसेस। तो दोस्तों, माइक्रोवेव डिवाइसेस को अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि माइक्रोवेव डिवाइसेस होती क्या है। तो देख लेंगे दोस्तों कि माइक्रोवेव डिवाइस क्या होती है। एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ जनरेटिंग, एम्पलीफाइंग, मॉडिफाइंग, डिटेक्टिंग और मेजरिंग माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड माइक्रोवेव डिवाइसेस। यानी माइक्रोवेव डिवाइसेस क्या होती हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं माइक्रोवेव्स को एम्पलीफाई करते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं या उनको डिटेक्ट करते हैं या दोस्तों हम इनको मेज़र करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली है कि माइक्रोवेव डिवाइसेस दो टाइप्स की होती हैं, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस एंड सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइसेस। तो दोस्तों, इन टाइप्स दो टाइप्स हैं, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप है दोस्तों, वो है माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस। तो दोस्तों, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस क्या होती हैं? एक्चुअली दोस्तों, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस के अंदर एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन ट्यूब क्या काम करती है, विच कैन जनरेट और कंट्रोल EMR। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है, यही जनरेट या कंट्रोल करती है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, या फिर हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव्स को। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस कंसिस्ट एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूज्ड फॉर माइक्रोवेव एप्लीकेशंस विच कैन जनरेट और कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला टाइप तो हो गया, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस कहते किसको हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस जो हैं कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और हमें पढ़नी ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फिर हम इसकी टाइप्स पर। तो दोस्तों, माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती हैं। जो इनका फर्स्ट टाइप है वो है माइक्रोवेव लीनियर बीम ट्यूब डिवाइसेस। और दोस्तों, अगर हम इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो वो सेकंड टाइप है हमारा माइक्रोवेव क्रॉस फील्ड ट्यूब डिवाइसेस। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं कि लीनियर बीम ट्यूब क्या होती है और हमारी क्रॉस फील्ड ट्यूब क्या होती है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात की पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब क्या होती है, ये सिंपली दोस्तों एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरेट और कंट्रोल करते हैं किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। अब यहाँ पर है कि दो टाइप्स की होती है, एक तो लीनियर बीम ट्यूब होती है। दोस्तों, जो लीनियर बीम ट्यूब होती है उसके अंदर तो सिंपली हम किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पर सिंपल एक ही फैक्टर वर्क करता है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा करके फिर हम काम करते हैं। और दोस्तों, ये जो है दूसरी क्रॉस फील्ड ट्यूब, तो इसमें दोस्तों क्रॉस फील्ड क्या होता है, क्रॉस फील्ड होता है कि दोस्तों जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाइड होते हैं तो दोस्तों उस फील्ड को हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पर भी वही जो है फैक्टर काम करेगा कि माइक्रोवेव क्रॉस फील्ड ट्यूब डिवाइसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखें तो टाइप्स हमें समझ आ गया कि एक तो होता है माइक्रोवेव लीनियर बीम ट्यूब डिवाइसेस और एक होते हैं माइक्रोवेव क्रॉस फील्ड ट्यूब डिवाइसेस। इनके अंदर इस टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स जो है वो यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, इनके अगर हम देखें कि कौन कौन से जो है ट्यूब डिवाइसेस जो है हमारे सिलेबस में है, तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीनियर बीम ट्यूब डिवाइसेस में हमारे पास तीन डिवाइसेस मेनली होती हैं। पहला है दोस्तों क्लिस्ट्रॉन, इसको टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन या द रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। और दोस्तों तीसरा है हमारा ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग वेव ट्यूब डिवाइस, या हम दोस्तों इसको ये भी बोलते हैं हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब डिवाइस। इसमें हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, ये जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे।
और दोस्तों जो हमारी क्रॉस फील्ड डिवाइसेज हैं उनमें मेनली एक डिवाइस यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि है दोस्तों मैग्नेट्रॉन। तो दोस्तों चलते हैं फिर, हम पहले सारी की सारी माइक्रोवेव ट्यूब डिवाइसेस की स्टडी करते हैं, इनको एक एक लेकर के इनकी जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इनकी जो वर्किंग है वो इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। इन जो भी चार हमें डिवाइसेस पढ़ी है उसके बाद हम स्टडी करेंगे माइक्रोवेव डिवाइसेस के सेकेंड टाइप की, जो कि है सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइसेस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं हमारा क्लिस्ट्रॉन। दोस्तों क्लिस्ट्रॉन को टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी कहते हैं। दोस्तों टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन क्या करता है, हमारे क्या काम आता है, ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन, मतलब माइक्रोवेव्स के एम्पलीफिकेशन के काम आती है। ऑपरेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन, इसमें दोस्तों वेलोसिटी एंड करंट को मॉडिफाई किया जाता है, इनका जो है मॉड्यूलेशन होता है। दोस्तों ये हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग में कि कैसे हम वेलोसिटी एंड करंट का मॉड्यूलेशन करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, इसमें क्या क्या हमारे अपरेटस वगैरह लगे होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स शो कर दिए हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो चार पॉइंट्स जो है हमारी इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को शो कर देते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों हम बढ़ते जाते हैं और ये जो है हमारा एप्पल गेट डायग्राम इसका ये बनाते चले जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन गन इज कनेक्टेड, मतलब सबसे पहले तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, एंड द इलेक्ट्रॉन गन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज कैथोड। तो दोस्तों ये कहता है ये हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन गन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक फिलामेंट और एक जो है फिलामेंट होता है जो कि गर्म होता है, और दोस्तों एक हमारी कैथोड होती है। तो ये कहता है कि जो कैथोड है वो नेगेटिव के साथ जो है फ्रेंड्स कनेक्टेड है। चलिए ये हमें समझ आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये है हमारी कैथोड। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है पॉजिटिव। अब वो कहते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फिर आगे कलेक्टर के साथ अटैच्ड है या कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। मतलब दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनको ये नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर चल के, और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये है हमारा कलेक्टर, और कलेक्टर कह दें या फिर हम ये कह दें कि ये है हमारी एनोड। तो दोस्तों कलेक्टर या एनोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आकर के यहाँ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे, यहाँ से रिपेल होंगे और फिर यहाँ पर कलेक्टर पर कलेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा कलेक्टर एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। तो चलिए दोस्तों ये तो एमिटर की तरह काम करेगा और ये कलेक्टर की तरह, लेकिन दोस्तों इसके साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि हेयर ऑल्सो टू इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रॉन गन आर कनेक्टेड विद कैथोड सो दैट, देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स भी लगाए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब कैथोड इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर बीम चाहिए, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो बीम यहाँ से निकले और यहाँ पर आए। इलेक्ट्रॉन्स की रेंडम मोशन, मतलब हमें ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस डायरेक्शन में चल दिया, फिर तो वो हमारे लिए सही काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कैथोड से निकले और कहाँ पर पहुँचे कलेक्टर तक। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए जो कि क्या करेंगे हमें एक फाइन बीम देंगे इलेक्ट्रॉन की। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करना शुरू करेगा तो ये क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल लगभग उसी तरह है जैसे दोस्तों की पिस्टन है। मान लीजिए कि पिस्टन है वो लिक्विड को इधर उधर नहीं जाने दे रहे, सिंपल स्ट्रेट लाइन में लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही सिंपल बात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से क्या होगा, सो दैट दे प्रोवाइड ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गन है वहाँ से एक फाइन बीम निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये कहता है कि टू कैविटीज आर हेयर, अब ये कहता है कि यहाँ पर दो कैविटी है, एक तो ये वाली कैविटी दोस्तों ये वाली और दूसरी उधर वाली कैविटी। तो दोस्तों ये कहते हैं कि जो पहली है वो है हमारी बंचर कैविटी और जो दूसरी है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कैचर कैविटी। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, वन इज द बंचर कैविटी एंड द सेकंड इज कैचर कैविटी। तो
तो दोस्तों जो हमारी बंचर कैविटी हमने लिख दिया है, जो हमारी एक कैविटी है उसको बोलते हैं बंचर कैविटी। तो दोस्तों हम बंचर कैविटी में आरएफ एक इनपुट दी जाती है, यानी हम देते हैं यहाँ पर इनपुट कौन सी, एसी इनपुट दोस्तों। उसके बाद है वहाँ पर जो कैचर कैविटी है दोस्तों, वहाँ पर हमें जो है आउटपुट मिलती है दोस्तों। इन दो कैविटीज को कहते हैं बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बंचर कैविटी में यहाँ पर दो ग्रिड मान लेते हैं। बंचर कैविटी जो है दोस्तों हमारी, यहाँ पर हम चार ग्रिड देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं। डायग्राम को जूम करके हम देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम एक ग्रिड मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक G1 ग्रिड है, और दोस्तों ये हम मान लेते हैं एक G2 ग्रिड है। इसी के साथ दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पर, ये है हमारा G3 ग्रिड, और ये जो है दोस्तों हमारा है G4 ग्रिड। तो दोस्तों G2 ग्रिड और G3 ग्रिड के बीच का जो स्पेस पाया जाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ओके, तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पर कि ये काम कैसे करता है हमारा, कौन क्लेस्ट्रॉन या टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन्स एक फाइन बीम बना करके और चलने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स G1 ग्रिड पर पहुंचते हैं, तब उनकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, जैसे उनकी वेलोसिटी थी यहाँ पर एमिटिंग के टाइम वैसी ही रहती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये G1 के बाद G2 ग्रिड को क्रॉस करते हैं, वैसे ही उनकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, मतलब दोस्तों इसकी वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाती है, और दोस्तों यहाँ से ये फिर बंच्ड फॉर्म में चलते हैं। दोस्तों बंचिंग का मतलब क्या होता है कि पहले मान लीजिए कि हम यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन्स की कल्पना करते हैं, इमेज एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, और दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे देते हैं। जो हमारा पहला है वो है दोस्तों अर्ली इलेक्ट्रॉन, और दोस्तों ये है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा लेट इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसको हम ले लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इससे जो पहले जा रहा है उसको हम अर्ली कह देंगे, और जो दोस्तों रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब पीछे पीछे चल रहा है, उसको दोस्तों हम बोल देंगे हमारा लेट इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये पहले अर्ली जाएगा, फिर रेफरेंस जाएगा, और फिर लेट इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं एक दूसरे के आगे पीछे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो G1 ग्रिड को क्रॉस करते हैं, तो दोस्तों बंचिंग प्रोसेस हो जाती है। मतलब क्या है कि अर्ली इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाती है। मतलब ये दोनों अब क्या चलने लगे, बराबर, क्योंकि जो हमारा अर्ली इलेक्ट्रॉन था उसकी वेलोसिटी कम हो गई थोड़ी सी, मतलब वो किसके साथ आ गया, इसके साथ। और दोस्तों जो हमारा लेट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है दोस्तों, थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वो भी क्या हो जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों हुआ क्या कि जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा धीमा हो गया और रेफरेंस के बराबर आ गया, और दोस्तों जो पीछे था वो थोड़ा सा तेज हो गया और रेफरेंस के बराबर आ गया, और अब जो ये दोस्तों तीनों के तीनों है ये बिल्कुल चलने लगे बराबर। ओके दोस्तों, और जो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो दोस्तों एज द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल डाउन द ड्रिफ्ट स्पेस दे ग्रेजुअली बंच्ड टुगेदर एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, और इसी एक्शन को हम दोस्तों बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अब हमें देखना है कि ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किसकी वजह से होता है, और हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करके क्या हमें प्राप्त होता है। ये बंच्ड तो हो जाते हैं, लेकिन बंच्ड हमने किए क्यों, इनका यूज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर हम इसकी देख लेते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड बंचिंग प्रोसेस। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम RF इनपुट से इस पर एक साइनोसोइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं, और दोस्तों हम पहले जो सिग्नल अप्लाई करते हैं, पहले हम बात करते हैं उसकी नेगेटिव हाफ की,
फिर हम बात करते हैं जब वो जीरो पर आता है सिग्नल, और फिर बात करते हैं हम पॉजिटिव हाफ की। तो दोस्तों अगर हम सिंपली बात करें किसी साइनोसोइडल सिग्नल की जो कि हमने अप्लाई किया है आरएफ इनपुट पर, तो दोस्तों इसको हम जूम करके समझ लेते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर आरएफ इनपुट में एक साइनोसोइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं उसके नेगेटिव हाफ की, फिर जीरो की, और फिर दोस्तों हम बात करेंगे इसकी पॉजिटिव हाफ की। ये है हमारा नेगेटिव हाफ ऑफ द सिग्नल एंड दिस इज द पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर तीन जो है इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, एक हमारा था रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से जो जल्दी चल रहा था यानी थोड़ा पहले चल रहा था उसको हम बोल रहे थे अर्ली इलेक्ट्रॉन, और जो इसके पीछे पीछे चल रहा था दोस्तों उसको हम बोल रहे थे लेट इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जैसे ही हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो पहले हम बात करते हैं उसकी नेगेटिव हाफ की। तो दोस्तों जैसे ही हम नेगेटिव हाफ करेंगे तो G2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू G1, और दोस्तों जैसे ही अर्ली इलेक्ट्रॉन आएगा तो अर्ली इलेक्ट्रॉन को G2 जो ग्रिड है वो रिपेल करेगा, और दोस्तों अर्ली इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब ये डी एक्सेलरेट होगा। चलिए दोस्तों इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब दोस्तों ये जो है धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होना शुरू हो गया है। और दोस्तों जैसे ही हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ग्रिड जीवन को क्रॉस करेगा वैसे ही हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो पहुंच जाएगा जीरो पर। तो दोस्तों रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब अर्ली इलेक्ट्रॉन तो धीमा हो गया और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, दैट मीन्स दोस्तों ये दोनों आ जाएंगे सेम वेलोसिटी पर कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई और ये उसी से मतलब ये इसके बराबर आ गया अब। और दोस्तों जैसे ही हम हमारा जो लेट इलेक्ट्रॉन है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद ग्रिड G1 में एंटर करेगा तो हमारा ग्रिड G2 जो है दोस्तों वो कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन मतलब यहाँ पर G2 जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और दोस्तों पॉजिटिव जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या है कि ये जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेट कहाँ होकर कहाँ पहुँच जाएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के जितनी वेलोसिटी में पहुँच जाएगा, तो ये भी हो जाएगा इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब ये तीनों क्या चलेंगे, साथ साथ में चलेंगे, और ड्रिफ्ट स्पेस में दोस्तों इनकी क्या हो जाएगी बंचिंग। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम बोलते हैं बंचिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अर्ली इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहा होता है। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात हम कर सकते हैं, जो पहले आता है उसी को हम अर्ली इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और जो बीच वाला उसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही अर्ली इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करता है तो वो जो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है तो वो उसको डी एक्सेलरेट कर देता है और कहाँ पहुँचा देता है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन वाली वेलोसिटी पर। और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको क्रॉस करता है वैसे ही हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ पहुँच जाता है, जीरो पर, तो वो तो सेम रहता है। और जैसे ही हमारा लेट इलेक्ट्रॉन फिर आता है जीवन को क्रॉस करता है वैसे ही हमारा सिग्नल कहाँ पहुंच जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, G2 पॉजिटिव हो जाता है। और दोस्तों इस ये जो लेट इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होकर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के सेम वेलोसिटी में आ जाता है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं हम बंचिंग प्रोसेस और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या हो जाएगा, G2 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू G1, सो द अर्ली इलेक्ट्रॉन इज डी एक्सेलरेटेड, अर्ली इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हो जाएगा। और फिर फॉर द जीरो ऑफ द सिग्नल, द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पास विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन तो विदाउट एनी मॉड्यूलेशन जाता है क्योंकि वो कहाँ से क्रॉस करता है, जब सिग्नल हमारा कहाँ होता है, जीरो पर। और दोस्तों अगर हम बात करें फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, G2 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू G1, तब वहाँ क्या होगा, G2 पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू G1, सो द लेट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। सो तीनों के तीनों इक्वल आ गए एंड हेंस द बंचिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो दोस्तों इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बंचिंग प्रोसेस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बंच्ड होकर के चलने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन बंच होकर के फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे, और दोस्तों कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ग्रिड सी जो हमारा G3 है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से दिखा देते हैं, ये इस टाइप से कि इनकी जो है बंचिंग हो जाती है और ये बंचिंग की फॉर्म में फिर चलते हैं। और दोस्तों ये हमने तीन इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बंच्ड होकर के चलेंगे, तो इस टाइप से इनकी बंचिंग हो जाएगी। और दोस्तों जैसे ही ये G3 को क्रॉस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा था
कि जब हम बात करेंगे लीनियर बीम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ पर आउटपुट लेते हैं, आरएफ आउटपुट कहाँ पर, कैचर कैविटी पर। तो दोस्तों ये काम होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है उसका। तो दोस्तों अगर हम बंचिंग के पहले की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर ट्रांजिट टाइम एक कंसेप्ट आता है वो ज़्यादा लग रहा था, और यहाँ पर ट्रांजिट टाइम कम लग रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा गेट है और तीन लोग हैं जो इसको एक के बाद एक जो है क्रॉस कर रहा है, पहले पहला क्रॉस करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक है कि दोस्तों तीनों के तीनों एक साथ चले जाएं तो उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम बात कर रहे थे कि तीन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे तो उनको ग्रिड को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ट्रांजिट टाइम ज़्यादा लगेगा। और दोस्तों जब तीनों जो बंचड फॉर्म में चलेंगे तो इनको जो ट्रांजिट टाइम है इनका रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तो फ़ायदा हमें ये हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी दे करके और जा रहा था, और उसको हम चेंज कर रहे थे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर दूसरा आ रहा था, थोड़ी थोड़ी हमें एनर्जीज मिल रही थी। अब क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी हमें मिल रही थी, उसका हमें जो है धीरे धीरे लेकिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल रही थी। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि बंचड है, एक साथ आ रहे हैं एनर्जी, एक साथ हमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो दोस्तों आरएफ आउटपुट जो है वो भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी उतनी ज़्यादा हमारी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें आरएफ आउटपुट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर वही होता है कि ये जो बंचड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं किसके रूप में, आरएफ आउटपुट के रूप में। G3 में वो बंचड फॉर्म में ही एंटर करते हैं, G3 ग्रिड को क्रॉस करते हैं बंचड फॉर्म में, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाती है तो G4 में वापस से वही अर्ली वाला अर्ली, रेफरेंस वाला रेफरेंस और लेट वाला लेट बन के, क्योंकि बंचिंग में उन्होंने जो एनर्जी ली थी वो कहाँ पर छोड़ दी, यहाँ पर। तो दोस्त ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर मिल जाते हैं हमें, कलेक्टर पर। और दोस्तों इसी जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड बंचिंग प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आरएफ आउटपुट है वो क्या है, एम्पलीफाइड फॉर्म है किसकी, आरएफ इनपुट की। और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन या करंट एम्पलीफिकेशन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हमने आरएफ इनपुट में दिए थे वो एम्पलीफाइड होके हमें कहाँ मिले, आरएफ आउटपुट में दोस्तों। तो वो एम्पलीफाई किसकी वजह से हुए, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी वर्किंग हमारी क्लिस्ट्रॉन की। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, कि ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली और वो फिर उन्होंने आरएफ आउटपुट में हमें दे दी, मतलब आउटपुट की फॉर्म में वो हमें दे दी। चले आउटपुट में चेंज तो कर दिया किसने, हमारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ने, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करके छोड़ देंगे तो जो हमारा कैचर है, जो हमारा कलेक्टर है वो उसको अट्रैक्ट करेगा और उसमें काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगी। और दोस्तों उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम यहाँ पर आउटपुट लेते हैं। हाँ, इनपुट के साथ वो काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाती है तब हमें आउटपुट जो है ज़्यादा मिलती है, मतलब एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलती है। तो दोस्तों ऐसे हो जाती है, हमारी जो इनपुट है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें आउटपुट के रूप में मिल जाती है। अब दोस्तों हमने जो पढ़ा है अभी कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड बंचिंग प्रोसेस जो होती है क्लिस्ट्रॉन में, तो उसका एक ग्राफ बनाया हमने इसकी पोजीशन और ट्रांजिट टाइम के बीच में दोस्तों। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों ये एक अलग से ग्राफ है जिसको हमने वोल्टेज दिखाया है ए गैप के अक्रॉस की, इनके बीच में जो गैप होता है वहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो किस टाइप से चेंज होगी। पहले हमने नेगेटिव ऑफ कर दिया था अर्ली इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर जीरो,
वोल्टेज जीरो सिग्नल के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और फिर लेट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल का यूज़ किया था। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम बंचिंग कहाँ पर होती है। तो दोस्तों मैक्सिमम बंचिंग होती है हमारी जो पॉजिटिव हाफ का मैक्सिमम होता है और नेगेटिव हाफ का मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों इसी यहाँ पर ही बंचिंग मैक्सिमम होगी, तो इसको हम बोलते हैं बंचिंग लिमिट। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं कि ये हमारा कोई भी लेट इलेक्ट्रॉन, ये है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और ये है अर्ली इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्रिड के, ग्रिड जी टू को क्रॉस करने के बाद जो ड्रिफ्ट स्पेस है, तो अगर हम ड्रिफ्ट स्पेस में बात करें तो यही होगा ना कि यहाँ से अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और लेट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ मूव करके, और हमारे जो ये जो हमने लोकेशंस शो की है, ये है हमारा ग्रिड कौन सा, ये है हमारा ग्रिड नंबर दो और ये है हमारा ग्रिड नंबर तीन। इनके बीच का जो ड्रिफ्ट स्पेस है वहां पर, तो ग्रिड तीन पर दोनों एक साथ, जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ पहुंचेंगे। तो दोस्तों होने क्या वाला था कि अर्ली इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगने वाला था जी थ्री तक पहुंचने में, रेफरेंस को फिर बीच का सा टाइम लगने वाला था जी थ्री तक पहुंचने के लिए, और लेट वाले को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था कहाँ पर, जी थ्री तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब बंचिंग प्रोसेस हो गई तो ये तो डी एक्सलरेट हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो गई किसकी, अर्ली वाले की, और अर्ली वाले को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब दोस्तों इसको अगर देखें तो इसको इतना टाइम जो है एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिट टाइम फॉर अर्ली इलेक्ट्रॉन, ई ट्रांजिट टाइम फॉर अर्ली इलेक्ट्रॉन। और अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को, तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम तो ये तो रेफरेंस था तो ये तो लगना ही लगना था। और दोस्तों अगर हम लेट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेट इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों इसको सबसे कम जो है ट्रांजिट टाइम लगा टी ऑफ एल, इसको सबसे कम ट्रांजिट टाइम लगा, सबसे कम टाइम लगा, क्योंकि ये तो एक्सलरेट हो गया, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो दोस्तों हमने कुल मिला के किया क्या कि जो काफ़ी धीमी स्पीड से था उसकी स्पीड बढ़ा दी, जो फास्ट चल रहा था उस या जो आगे चल रहा था उसकी स्पीड कम कर दी। सिंपल सी बात कि जो आगे चल रहा था उसकी स्पीड कम कर दी, जो पीछे चल रहा था उसकी स्पीड बढ़ा दी, जो जल्दी पहुंचने वाला था उसको ज़्यादा टाइम लगा दिया और जो लेट पहुंचने वाला था उसको कम टाइम में पहुंचा दिया। दोस्तों तो इसका मतलब ये दोनों कहां पर पहुंच गए, रेफरेंस, जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जब पहुंचा तभी ये दोनों पहुंच गए। तो दोस्तों इनके जो ट्रांजिट टाइम है और ड्रिफ्ट स्पेस के बीच का जो हमने एक ग्राफ शो किया है, ये आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर हम पहले देखते, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बंचिंग ना होती तब ये G3 पर पहुँचते, तब ये इसी टाइप से पहुँचते, मतलब अलग अलग टाइम के बाद पहुँचते। तो दोस्तों वहाँ पर उनका ट्रांजिट टाइम क्या होता कि वहाँ पर फिर ट्रांजिट टाइम इस टाइप से होता कि अर्ली इलेक्ट्रॉन पहले पहुँचता, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और फिर लेट इलेक्ट्रॉन पहुँचता दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्लिस्ट्रॉन की स्ट्रक्चर, वर्किंग और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड बंचिंग प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।